दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं पल्मोनरी कॉम्प्लेंस क्या होता है या लंग कॉम्प्लेंस क्या चीज़ होती है। दोस्तों किसी भी लंग की एक्सपेंड और स्ट्रेच होने की एबिलिटी को ही हम कहते हैं लंग कॉम्प्लेंस और पल्मोनरी कॉम्प्लेंस। बेसिकली कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके फंक्शन का पता लगाने के लिए हमें पल्मोनरी कॉम्प्लेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आपका लंग अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है, वो पता करने के लिए डॉक्टर्स पल्मोनरी कॉम्प्लेंस को पता करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि पल्मोनरी कॉम्प्लेंस का पता कैसे लगाया जाता है। दोस्तों टोटल लंग वॉल्यूम को जब आप डिवाइड करते हैं ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर से तो आपको मिलता है लंग कॉम्प्लेंस। अब बात करते हैं किन किन कंडीशंस के अंदर लंग कॉम्प्लेंस घट जाता है और किन कंडीशंस के अंदर लंग कॉम्प्लेंस बढ़ जाता है। दोस्तों कुछ बीमारियां होती है जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, ऐसी बीमारियां होती है जिसमें जो आपका लंग कॉम्प्लेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें आपके लंग्स अच्छे से एक्सपेंड और स्ट्रेच नहीं हो पाते, जैसे कि आपको मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, पोलियो हो गया या गुलियन बेरी सिंड्रोम है। ऐसी कंडीशंस के अंदर दोस्तों जो हमारा लंग कॉम्प्लेंस है, पल्मोनरी कॉम्प्लेंस है, वो रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके अंदर हमारा लंग कॉम्प्लेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों जब लंग टिश्यू डिजनरेट होने लगता है उस केसेस के अंदर लंग कॉम्प्लेंस सडनली बढ़ जाता है, जैसे कि एम्फाइसीमा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लंग कॉम्प्लेक्स बढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि जो लंग टिश्यू है उसका डीजनरेशन होने लग जाता है। दोस्तों पल्मोनरी कॉम्प्लेंस के बारे में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।